लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है, क्या वो उस चीजों को डिमांड करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें कहीं पर डिमांड में होती है और कुछ सेम चीजें दूसरी जगह पे डिमांड उसका नहीं होता है। तो आपको पहले क्या करना होता है, बैकग्राउंड रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है ना, पहले से पता करना होता है कि किसका डिमांड है किसका डिमांड नहीं है। वो आप क्या करते हैं, ये जो हम स्टडी करते हैं इसी से हमारा ब्लूप्रिंट तैयार होता है कि आगे का हमारा कैसा कदम होगा, ठीक है ना, कैसे हम इसको रिमूव करेंगे इस प्रॉब्लम को। गॉट इट? अभी समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोलो। सुनने से समझ में आता है, समझे ना, स्क्रीन शेयर रहेगा तुम्हारे सामने और तुमको सब समझ में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि रहे, ठीक है ना, और हम कितना चाह रहे हैं ये सब जान रहे होंगे इस क्लास के बच्चे, राइट। लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि जब तक नहीं है तो तब उसका मतलब ये नहीं कि हम ना समझे, ये क्लास बेकार हो जाए, इसका मतलब है कि ठीक है जो चीज प्रॉब्लम है उसको मिनिमाइज करते हुए हम समझने की कोशिश करें। मैं आपको पॉइंट एक बताया मैंने कि आपको क्या करना है, रिलायबल फैक्ट्स को ऑब्टेन करना है, ये आपके प्लानिंग को अफेक्ट करता है। अगर आपने सही फैक्ट्स को कलेक्ट किया होगा तो आप सही प्लान करेंगे, अगर आपने नहीं कलेक्ट किया होगा सही फैक्ट्स को, अंधेरे में तीर चलाया होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लानिंग गलत हो जाएगी, राइट। सही प्लानिंग आप नहीं कर पाएंगे, क्लियर, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट फैक्टर्स जो है जो आपके प्लानिंग पर जिसका निगेटिव असर पड़ता है क्या है, बताओ, कुछ बोल रहे हो करने के लिए, मैं पूछ रही हूँ, बोल रहे हो हाँ या नहीं बताओ, बस नहीं ना तो बस नहीं बोल दो, इतना बोलने की जरूरत भी नहीं, मैं बस हाँ नहीं पूछ रही हूँ, मुझे लगा तुम फैन ऑन करने या कुछ ऑन करने कुछ बोलना चाह रहे हो, तो जस्ट बताओ कि ना नहीं मैम मैंने कुछ नहीं बोला, दैट्स इट। सेकेंड पॉइंट है इंश्योरिंग, पीछे क्या है, इंश्योरिंग एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग, यानी ये भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किया था, टू इंश्योर एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, यानी कि जब आपको कुछ करना है, सपोज करो अभी एम्प्लॉयज को माइनस कर देते हैं, अभी एम्प्लॉयज को माइनस कर देते हैं, टीम को लेकर के चलते, सपोज करो कि आपका एक टीम है, इसमें से कुछ बच्चों ने रंगोली कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, नहीं किया था, कुछ ने किया था, ठीक है ना, तुमने नहीं किया था तो हाँ कुछ किए थे, देखो अभिषेक बोल रहा है कि किए थे, तो आपका टीम है, ठीक है ना। अब आप ये बोले कि आपकी जो प्लानिंग है उसको अपने टीम मेंबर्स के साथ नहीं शेयर करेंगे, तो क्या वो प्लान सक्सेस हो पाएगा? नहीं, क्योंकि और लोग अंधेरे में रहेंगे, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, या आपने दूसरे को इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो जो सहयोग मिलना चाहिए टीम मेंबर से वो नहीं मिल पाएगा, सिंपल क्लियर। तो टीम मेंबर यानी कि अब ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाते हैं, अभी तो मैंने छोटे टीम की बात ली कि आप 8-10 लोगों का टीम है जो एक किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक आप लोग का एक प्लानिंग होगा, जो प्लानिंग सबके लिए यूनिफॉर्म है, सबको पता होना चाहिए कि व्हाट विल बी आवर सेकंड स्टेप, व्हाट विल बी आवर थर्ड स्टेप, राइट, किस थीम पे हम काम कर रहे हैं, किसी से भी सर पूछ सकते हैं कि अच्छा बताओ तुमने कौन से थीम पे काम किया, तो सबको पता रहेगा तब तो बता पाएगा, क्लियर। इसीलिए अपने टीम मेंबर्स को उसमें शामिल करना जरूरी है, उस पे डिपेंड करता है कि आपका कितना सक्सेसफुल प्लान होगा, क्योंकि उसी हिसाब से आपको आपके टीम मेंबर्स का सहयोग मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है सौरभ, ठीक से स्ट्रेट खड़े हो जाओ, नींद आ रही है तो बाहर चले जाओ, हाथ मुंह धो के आ जाओ, अंशु एंड सौरभ दोनों क्लास से बाहर निकलो, दोनों बाहर निकल जाओ, दोनों बाहर निकलो, मैंने क्लास से दोनों को बाहर निकलने बोला, जाओ दोनों बाहर, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रही थी, अब ध्यान देना, थर्ड में बोल रही थी कि जैसे मैंने आपको बोला बस शांति से जाओगे, तुमको अभी मैंने पूछा था ना कि तुमको कुछ बोलना है तो बोलो, तुमने बोला कुछ नहीं बोलना है मैम, तो अब शांति से बैठे रहो वरना तुम भी बाहर जाओ, हाँ जाओ जाओ, आपके पेरेंट्स को हम इन्फॉर्म कर देंगे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, आप जाइए, क्या डर क्यों गए थे, मैंने डराने के लिए पूछा था क्या, अरे यार तुम लोग कैसी कैसी बातें करते हो।